तो दोस्तों अब हर कोई MPEG 2 सेटअप बॉक्स बनेगा आपका HD सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों ये डिवाइस आ चुकी है, इस डिवाइस का पूरा कनेक्शन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा YouTube पर। इससे पहले दोस्तों इस डिवाइस के बारे में ना ही किसी ने बताया और ना ही कोई दोस्तों बता पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये डिवाइस कंप्यूटर मार्केट में मिलती है और ये सिर्फ ऐसे प्लेट आती है दोस्तों, और इस प्लेट को दोस्तों आपको अपने MPEG 2 सेटअप बॉक्स में लगाना होता है। तो दोस्तों MPEG 2 बॉक्स में लगाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो TV प्रोग्राम है यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलने लगेंगे दोस्तों HD वाले। ये निकाल दिया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आप लोगों की आंखों के सामने। तो दोस्तों देर किस बात की, अब आप भी पा सकते हैं डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों कीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए दोस्तों सब्सक्राइब। तो दोस्तों चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं इसका पूरा कनेक्शन, पूरा सीक्रेट तरीका डीडी फील्ड के MPEG 2 सेटअप बॉक्स को अब आप बना सकते हो MPEG 4 HD वाला सेटअप बॉक्स। वो कैसे, वीडियो देखिए पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहिल फ्रीडिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारे पास एक डीडी फील्ड का MPEG 2 नॉर्मल सेटअप बॉक्स है, और दोस्तों इसको आज हम बनाएंगे HD सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों कैसे बनेगा ये HD सेटअप बॉक्स, ये सारी प्रक्रिया आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों HD सेटअप बॉक्स बनने के बाद आप इसे HD TV में भी बड़े आराम से देख सकते हैं। दोस्तों आप सबको मालूम है कि इस बॉक्स में लगता है ऑडियो वीडियो, लेकिन दोस्तों जब मैं इसको HD सेटअप बॉक्स बना लूंगा तो दोस्तों इसमें लगेगा HDMI प्लस ऑडियो वीडियो, दोनों केबल लग जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ ऑडियो वीडियो का पोर्ट है, LNB इन और आउट का पोर्ट है, और ये पावर का और ऑन ऑफ का स्विच है, बाकी और कुछ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको इस सेटअप बॉक्स को बनाएंगे फुल HD सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों हम इसको यहाँ से ओपन कर देते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे कार्ड भी नहीं बदलूंगा, यही कार्ड लगेगा, यही सप्लाई रहेगी, लेकिन दोस्तों हमारा सेटअप बॉक्स बन जाएगा फुल HD वाला सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कैसे ये हमारा सेटअप बॉक्स बनेगा। दोस्तों उसके लिए हमें HDMI का वायर लगाने के लिए हमें थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी इस बॉक्स में। तो दोस्तों अभी ये जगह हमें कहाँ से मिलेगी, तो दोस्तों उसके लिए हमें बॉडी में कहीं सुराख करना होगा। तो दोस्तों आप बॉडी में यहाँ पे भी सुराख कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे ये फंसेगा, यहाँ पे दोस्तों हमारे पास पावर सप्लाई ये लगी हुई है, इस पावर सप्लाई की वजह से हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेने वाले। दोस्तों उसके लिए हम या तो यहाँ पे लगाएं, ये देख सकते हैं, चाहे यहाँ पे लगाएं चाहे दोस्तों यहाँ पे लगाएं। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम आप लोगों को यहाँ पे निशान HDMI का बना देते हैं, उसके बाद से आगे की प्रक्रिया इस वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान से यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हमने एक मार्केट से ये वाली डिवाइस खरीदी है। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये मार्केट से हमने ये डिवाइस खरीदी है, और इस डिवाइस को आप यहाँ पे देख लीजिए, और ऐसे ही डिवाइस आपको खरीदनी है। दोस्तों इस डिवाइस में आप देख सकते हैं HDMI का यहाँ पे पोर्ट है, जो कि दोस्तों HDMI जो ये केबल है ये बड़ी आसानी के साथ इसमें लग जाएगी। तो दोस्तों अब ये लग जाएगी, अब दोस्तों हमें जो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है दोस्तों कि हम इस प्लेट में, इस प्लास्टिक बॉडी में यहाँ पे कहीं इस प्लेट को सेट करें। दोस्तों हम प्लेट को सेट करेंगे, और जो पिक्चर क्वालिटी होगी दोस्तों बहुत ही गजब आने वाली है, और बहुत ही गजब ये हमारे पास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हमारे पास कुछ जुगाड़ है, उसकी मदद से हम इसमें लगाते हैं और आप लोगों को दोस्तों इस डिवाइस को लगाने के लिए ये कार्ड आता है, बहुत ही सस्ता मिल जाता है मार्केट में। लगाने के लिए दोस्तों हमारे पास ये कंप्यूटर में लगने वाले जो स्क्रू और बोल्ट वगैरह होते हैं इस टाइप वाले, ये वाले यूज करना है, वरना दोस्तों आप प्लास्टिक वाले भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इसको ये कुछ इस प्रकार से लगाना होगा, तो हम इसे लगा लेंगे। आपको भी जुगाड़ ही बैठाना है, आप समझ सकते हैं आपको जुगाड़ से ही लगाना है, तो आपको यहाँ पे लगाना है, और ये HDMI के हिसाब से आपको यहाँ पे बॉडी में सुराख कर लेना है। यहाँ पे सुराख कर लेंगे बॉडी के में, दोस्तों करने वाला होता है यहाँ पे भी कर लेते हैं, यहाँ पे तो बड़ा इजी तरीके से मैं इसे लगा दूँ हो जाएगा, क्योंकि मैं इसे रख दूँ यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ की प्लेट बड़ी नरम है, इसे हम तोड़ सकते हैं टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसके नीचे क्या है ना, सप्लाई है,
अब एकदम फुल पावर वाली सप्लाई है। और ये काट के लगाने के बाद दोस्तों जो आपको पिक्चर क्वालिटी मिलेगी वो एकदम बढ़ के मिलेगी दोस्तों, और एकदम जबरदस्त वाली पिक्चर क्वालिटी मिलेगी आपके MPEG-2 सेटअप बॉक्स से। और आपका MPEG-2 सेटअप बॉक्स हो जाएगा दोस्तों फुल HD वाला सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पे तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखा, यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जगह बना लूँ, उसके बाद से आगे की डिटेल इसी वीडियो में मैं बताऊँगा। तो दोस्तों अब मैं इसे लाइव आप लोगों को दिखाने के लिए शुरू हो गया हूँ। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को कुछ ऐसा बेल्ट वायर लेना है जिसको यहाँ पे आपको इस को कनेक्ट करना है, इसमें सप्लाई आपको देनी है, प्लस इसमें जो इस बोर्ड से जो कनेक्शन होगा वो सारी डिटेल दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कितने वायर आपको चाहिए, एक तो मेन हो गया प्लस माइनस का, तीसरा होगा दोस्तों ये भी माइनस का होगा, उसके बाद से ये होगा ऑडियो का, ये वीडियो का, फिर ऑडियो का, तो यानी लेफ्ट एंड राइट ऑडियो के होंगे, और उसके बाद से दो माइनस के और एक प्लस का होगा। तो दोस्तों हम वायर को हम यहाँ से यहाँ तक निकाल लेते हैं, ठीक है, और ये ज़्यादा निकल गया तो हम करीब इतना निकाल लेते हैं कि हमारा ये घटेगा बढ़ेगा तो काम चल जाएगा। तो ये रहा दोस्तों हमारे पास कटर, और यहाँ पर हम इसे अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। दोस्तों ये हमारे पास हो गया है, ठीक है, और अब हमें जो प्लस और माइनस यहाँ पे निकालना है इस वायर को, यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख सकते हैं आप लोग, इससे हम अच्छी तरीके से निकाल देते हैं, ठीक है, ये हो गया। सब तारों को हम बराबर से कुछ इस प्रकार से इतना। तो दोस्तों अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमें इस को सप्लाई देने के लिए इस कार्ड को हमें एक 4007 नंबर का डायोड लगाना होगा। तो दोस्तों 4007 का डायोड हमें सप्लाई से ही इसे देना होगा। तो जो इसका ये नीचे वाला हिस्सा है ये माइनस का है और ऊपर वाला प्लस का। तो दोस्तों हमें डायोड का जो वाइट वाला जो हिस्सा होता है वो प्लस का ऊपर रखना है, और ये वाला हिस्सा नीचे रख के बस रांगा लगा देना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे कैया लगा देते हैं थोड़ा सा इसे हम, कि हमारा जो डायोड है वो यहाँ पे रुक जाए दोनों साइड में। तो हमारा जो ये डायोड है दोस्तों वो हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम इसे लगाएंगे। तो लगाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे इसे रखना होगा, और वैसे अगर हम डायरेक्ट भी लगा दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों ये कार्ड बड़ी मुश्किल से मिलता है, इस कार्ड की पूरी मतलब सेफ्टी के लिए एक डायोड को लगाना बनता है, क्योंकि एक डायोड पे भी ये अच्छी तरीके से इसको सप्लाई मिलेगी और ये वर्क करेगा, ठीक है। अब ये चीज़ लग गई, और अब हमें सप्लाई के लिए ये वायर लगाने होंगे। तो वायर लगा के हम आप लोगों को दिखा देते। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम माइनस वाला पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले हम जोड़ देते हैं, ये माइनस का पॉइंट यहाँ पे जुड़ चुका है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग बहुत ही बारीकी के साथ देखेंगे कि यहाँ पे हमने प्लस का भी पॉइंट जोड़ दिया, ये हमारे सप्लाई हो गई। हो सके तो आप इसमें स्लिप डाल दें, इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमारा हो गया। अब दोस्तों हमें यहाँ पे इसे प्लस और माइनस का सप्लाई यहाँ पे देना है, तो इसके लिए दोस्तों हमें ये वाला जो हिस्सा होगा यहाँ पे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए इस कार्ड में, ध्यान से देख लीजिए आप लोग इस कार्ड में दोस्तों, ये यहाँ पे आपको एक कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर की ये इधर वाली जो पिन है ये प्लस है, यहाँ यहीं पे सप्लाई जाएगी दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ये सॉकेट है, यहाँ से ये राउंड होके ये प्रिंट यहाँ पे गई है, देख सकते हैं कैपेसिटर तक। तो हम सबसे पहले इसको माइनस पॉइंट जो है इसके ग्राउंड में दे देंगे, ठीक है, सही रहेगा, ग्राउंड में देंगे तो सही रहेगा। तो हम ग्राउंड में सबसे पहले इसे दे देते हैं, और उसके बाद से आगे की जो प्रक्रिया है वो हम पूरी करते हैं इसी वीडियो में। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ग्राउंड का जो है वो यहाँ पे हमने दे दिया इसको, ठीक है, और उसके बाद से हमारा जो ये दूसरा वायर है इसको हम अच्छी तरीके से कि किसी दूसरे में हमारे पास ये प्रिंट ना हो ये हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, ये दोनों वायर हमारे पास हो गए, हमारे इस कार्ड में सप्लाई आने लगी।
और उसके बाद से अब दोस्तों इसमें जो सेकंड काम है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों अब बाकी बचा जो हमारा काम है ऑडियो वीडियो का सेक्शन। तो दोस्तों ऑडियो वीडियो के सेक्शन में हम हमारे पास जो वायर हैं उनको पहले अच्छी तरीके से जोड़ लेते हैं। दोस्तों ये पीला वाला पॉइंट है, ये वाइट है, ये रेड है, ठीक है। तो हम इन सब वायरों यहाँ पे ये जो नीचे वाले पॉइंट होते हैं आउट होता है, ठीक है, तो मैं इन होता है, इसको हम इन पे यहाँ पे लगा देते हैं सही तरीके से। और उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ये आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया। और उसके बाद से फिर ये ऑडियो का है। आप ये बात ध्यान रखिएगा आपने कौन सा वायर किस में लगाया है, ताकि आपको इसमें जो कार्ड में आप जब जोड़ें तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमने वायर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी ये जो बचा इसको हम अर्थ देंगे, जो कि वीडियो कार्ड से ही हम इसे अर्थ देंगे इस वायर को। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस वायर पे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं माइनस पॉइंट, इसे हम माइनस ही कहेंगे, वीडियो कार्ड से आने वाली जो सप्लाई होती है। वैसे ये बिना माइनस के भी चलेगा लेकिन पिक्चर आपकी लहराएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम पिक्चर हमारी लहराए ना, हमारी पिक्चर एकदम बहुत ही फर्स्ट क्लास है। तो उसके लिए हम इसको सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा तार सब एक ही में रहे। अब दोस्तों हमारा जो काम बचता है यहाँ का बचता है, तो यहाँ के बारे में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताता हूँ। तो अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे काम हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो माइनस है, माइनस वाला पॉइंट हम ऊपर ही ऊपर से दे देते हैं। यहाँ पे जो LNB का आउट वाला होता है माइनस वाला पॉइंट, वहाँ पे हम दे देते हैं इसे, यहाँ पे हमने इसे दे दिया, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे हमने लाल वाले को बनाया था वीडियो, तो इस वायर को हम सबसे पहले फैला लेते हैं। और ये वाला वायर दोस्तों हमारा सबसे नीचे कार्ड पे यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और बहुत ही फर्स्ट क्लास हमारा अच्छी तरीके से ये चलेगा। वीडियो वाला तार तो आपको मालूम ही है, ऊपर वाले पॉइंट में किसी में भी हम लगा सकते हैं इसे। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है कि हम अपने जो वायर को हम कैसे हम लगा रहे हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए ध्यान से, हम अपने वायर को यहाँ पे अच्छी तरीके से ये लगा दिया हमने एक वायर, और जो दूसरा वायर है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास जो हमारे पास सप्लाई है, जो ये हमारे पास HDMI वाला जो ये वायर है, इसका कनेक्शन हमारे पास जो हमारी MPEG-4 बॉक्स है यानी MPEG-2 बॉक्स है, इसमें हमारे पास हो चुका है। अब दोस्तों इसे हम आप लोगों को एकदम लाइव चला के दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा जो माइनस वाला वायर है वो टूट चुका है। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं बता दूँ, मेरे पास वोल्टेज कम है जिसके कारण मैं इस पे मैं गर्म कर करके आप लोगों को वायर को जोड़ के दिखा रहा हूँ। दोस्तों काफ़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ और इसीलिए वीडियो आपको कई बार कट कट मिली है। और तो आपका भी फर्ज बनता है यार कि भाई आपको इतनी अच्छी सी जानकारी देता है तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे हम जो ये हमारे पास माइनस वाला वायर है इसे हम लगा देते हैं। ये डायोड तो हमारे पास अच्छी तरीके से लगा है, खैर सभी वायर हमारे पास अभी मजबूत जुड़ चुके हैं। मोमबत्ती को हम बुझा देते हैं क्योंकि हमारे पास इसका काम ख़त्म हो गया। अब दोस्तों अब हमारे पास जो ये हो गया है, तो अब हम इसमें सबसे पहले आप लोगों को सप्लाई यहाँ से लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को अपने मोबाइल में इसे चला के दिखाने वाले हैं। तो हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल में दोस्तों हम अपने ये देखिए मोबाइल में चलाने के लिए ये डिवाइस आती है HDMI के थ्रू। तो हम ये वाला, आप इसे मान लो कि ये आपका TV है, ठीक है, ये आपका TV है। और उसके बाद से एक मिनट, मोबाइल आपका TV है और आपने अपने मोबाइल में HDMI लगा दिया है, ठीक है, ये कन्वर्टर है इसका। तो हम इसको ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है।
अब हम इसको एकदम लाइव डेमो के साथ लगा के दिखाते हैं। सबसे पहले इसको लगा दें यहाँ पे, ठीक है, ये लग गया, ठीक है, और ये थोड़ा सही कर दें, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि दोस्तों, देखिए किसी भी काम में मेहनत होता है तभी आदमी आगे बढ़ता है। हम देखा देखी के वाला काम नहीं करते। यहाँ पे आप लोग टीवी देख लीजिए, और ये देखिए दोस्तों, ये वाली डिवाइस है। इस डिवाइस के माध्यम से हम इसको लगा रहे हैं यहाँ पे। अभी लाइट नहीं आया, हम लाइट देख लें यहाँ पे। ये लाइट आ गया। अब यहाँ पे भी आपको कुछ दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आ गया। HDMI के थ्रू हमारे पास जो सेटअप बॉक्स हमारा है वो चल रहा है। तो दोस्तों वो देख सकते हैं आप लोग। मैं रिमोट यहाँ से उठा लेता हूँ, और रिमोट से दोस्तों मैं ये देखिए थोड़ा सा मैं अपने जो ये डिवाइस है, मोबाइल है, इसको हम ऐसे कर दें ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सके। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये देखिए, अब आपका जो MPEG-2 सेटअप बॉक्स था वो HDMI वाला सेटअप बॉक्स बन गया है। दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे कि टीवी में चला के दिखाओ, तो मैं आपको टीवी में भी चला के दिखाऊंगा। उसके लिए मुझे वीडियो एक मिनट के लिए पॉज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं टीवी ला चुका हूँ, मोबाइल को हम साइड में रख देते हैं सबसे पहले, और इसे उधर रख देते हैं, और इस डिवाइस को निकाल देते हैं, ठीक है। और अभी आप लोग देख सकते हैं यही वायर है, ठीक है, इस वायर को हमें यहाँ पे लगाना होगा। और दोस्तों इसे ऑन करते हैं सबसे पहले, सही है आप लोगों को, ये आप लोगों ने देखा। इसमें मैं चैनल भी चला के दिखा देता हूँ, ठीक है, देख लूँ अगर कोई चैनल चल जाए तो अच्छी बात है। ये देखते हैं इसमें, और इसमें हम स्कैन करके देख लेते हैं। परेशान मत होइए आप लोग, थोड़ा सा इसकी आवाज़ जो है कड़कड़ाहट आ रही है, ये आ रहा है और जा रहा है। तो हम इसमें यहाँ पे 1 और मैं इसको सेट कर लूँ कोई चैनल, उसके बाद बताता हूँ आप लोगों। तो दोस्तों हमारी इस टीवी में दिक्कत भी है, जिसके कारण आप लोगों को हम ज़्यादा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम यहाँ पे एंटीने का वायर लगाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे इसका जो प्रोग्राम है आपको अभी चलते हुए नज़र आएगा, ये देख सकते हैं ये प्रोग्राम हमारे पास चल रहा है। तो दोस्तों ये आपका तो हो गया, और यही चीज़ मैं आपको मोबाइल में चला के दिखा देता हूँ फटाफट, क्योंकि टीवी में दिक्कत है दोस्तों। तो हम इसे सबसे पहले आप लोगों को मोबाइल अपना ऑन कर देते हैं, और यहाँ पे दोस्तों हम आप लोगों को बेधड़क होके MBC बॉलीवुड ही मैं चला रहा था, उसी को मैं चला के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे MBC बॉलीवुड हमारे पास जो है अच्छी तरीके से चल रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा ख़रीदना हो तो दोस्तों अगर मुझे Amazon पे लिंक मिलेगी तो उसका लिंक का हम आपको दे देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर दोस्तों ये हमें लिंक नहीं मिलती है तो आप एक बार नज़दीकी मार्केट में इसका पता करें, और ये बहुत ही अच्छी डिवाइस है दोस्तों। इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी के साथ बहुत सारे TV चैनलों का मज़ा ले सकते हैं फुल HD में। तो दोस्तों आप इस डिवाइस को ज़रूर लगाएं अपने पास, और उसके बाद अपने MPEG-2 सेटअप बॉक्स को MPEG-4 बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम क्वालिटी वीडियो के साथ साथ दोस्तों बेस्ट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देते हैं। तो दोस्तों ये एकदम बिल्कुल YouTube पर पहली बार है कि हम MPEG-2 सेटअप बॉक्स को अब आप बना सकते हैं फुल HD सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।